अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह बिल्कुल उठे हम, देखिए हल्की हल्की धूप आ रही है और हसीब आज बर्ड्स को दाना पानी डाल रहे हैं, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मंडी और मंडी से इंशाल्लाह लेके आएंगे इस ब्लैक लकी की पार्टनर, और हमारा जो ब्लैक कोबरा है उसका कोई एक अदा पार्टनर है, तो इंशाल्लाह इन दोनों के आज पार्टनर आ जाएंगे। और मंडी में यार ऐसे होता है ना कि जैसे मैंने कोई चीज़ रखी हो, मैं सेल करने चला जाऊँ, मतलब घर की ब्रीड्स वगैरह आती हैं तो उनमें बीमारी वगैरह नहीं होती, तो इंशाल्लाह कुछ अगर हमें अलग और कुछ यूनिक मिला ना तो हम वो भी परचेज कर लेंगे। तो अब मंडी जाके मुलाकात होगी। फाइनली खैर खरीद से हम मंडी पहुंच गए हैं। मंडी का एक मैंने डिटेल से व्लॉग बनाया है, प्राइस अपडेट भी दिया, और ये एक इंडियन फैंटेल पेयर की हम डील बना रहे थे, एक और भी कुछ परचेज़ किया, वो आपको व्लॉग मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल मलिक रुमान पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। बाकी मंडी को थोड़ा सा आप इन्जॉय करें। वेलकम बैक। बहुत थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। आज जो मंडी में लेने गए थे वो इसका साथी लेने गए थे, लेकिन इसका साथी तो नहीं मिला। जी 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 सुनो आपसे किसने पूछा अच्छे हैं कि गंदे? एक तो मंडी इतनी ज़्यादा दूर थी, अच्छा एक तो मंडी इतनी ज़्यादा दूर थी, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है। ये पकड़ो आज सीधे से दरवाज़ा तो बंद करो, ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो, मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लूँ, ये ना अगर गलती से ये उड़ भी गए ना तो इसी में बंद करो। सुबह से जब मैं मंडी से वापस आऊँ ना, मैंने इस रूम की सफाई की है, पूरा सफाई की है, वो मास्टर रूम की मास्टर केज की सफाई की है, बाहर पूरे छत की सफाई की है, मतलब पूरे मिनी जू की। यहाँ पर आपको पहले गमले नज़र आ रहे थे, गमले सारे उठा के मैंने उस छत पर रखे हैं, और उस छत पर रखने से पहले इसको मैंने एक और कोट रंग का कर लिया, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये कलर जो ये हल्का हल्का आपको लाइट लाइट नज़र आ रहा है ना, ये कुछ दिनों में मतलब एक आध दिन में सेट हो जाएगा। इस वाली खरगोशनी को यहाँ से निकाल के वहाँ पर शिफ्ट करना है, और इसमें हमारा एक बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम इनको पकड़ के उसमें खुशबू ने दरवाज़ा खोल दिया। बहुत मैं दंग हूँ इस बंदे से, छोड़ मूसा इसके बीच में, मैं थक गया हूँ सफाई कर करके। पकड़ यहाँ से जल्दी जल्दी पकड़, जल्दी जल्दी पकड़, पकड़ने आपने पकड़ना है, आपने उड़ा देना, पकड़ो 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 पकड़ो। ये क्या आ गया फुल वाइट, पर वगैरह बांध देंगे इनके, लेकिन वो बाद में। ओहो पानी भी गिरा दें, ठंडा पानी है, पी ना लें, गरम गरम डालेंगे। पकड़ देना दूसरा, ये दूसरा, ये पकड़ उड़ जाएगा, बाद में बाद में बाद में बाद में। ये दरवाज़ा खोलो, ये मूसा ने दरवाज़ा खोला और ये कबूतर चला गया। पेयर हमारा एक कंप्लीट हो गया, न्यू पेयर आ गया यार। प्यार है ज़्यादा थोड़ा, तो आप लोग ने कमेंट में लाजमी बताना ये आपको पेयर कैसा लगा है। सुबह सवेरे उठे मंडी चले गए, दोनों ज़्यादा हैं। सुबह सवेरे उठे मंडी चले गए, मंडी जाने से पहले मैंने सारे सेटअप को दाना पानी डाला, और थोड़ा सा जो रह गया था वो हसीब की जिम्मेदारी लगा दी। फिर सेटअप से मतलब मंडी से वापस आया और सेटअप पर सफाई शुरू हो गई। सफाई करने के बाद कुछ सिचुएशन साफ सुथरी हो गई है। अब जल्दी से ना ये जो इधर खरगोशनी के बच्चे हैं, ये खरगोशनी फिर रही है, खोल लो आ जाओ, इसको यहाँ से उठा दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े हुई हैं, दबाना नहीं है जोर से। अच्छा कितने हैं? कहते हैं पिद्दे पिद्दे ज्यादा हैं यार, रख तो रख दो बस करो, खेल लिए ना, बड़े हो गए माशाल्लाह से। इनको नीचे रख के देखें ऐसे कितने कितने हो गए, ये देखें काफी बड़े हो गए यार। नहीं नहीं नहीं, बस कर बस कर बस कर बस कर मुझे बस कर, भाग जाते हैं, कमजोर है अभी तक, ये छोटे हैं, रखो इनको सर्दी लगी, बंद करो कवर करो। कैसे चलते जैसे तू चलता है ऐसे चलते हैं, कैसे चलते हैं जैसे चलते। नहीं जैसे मूसा चलता है ऐसे चलते हैं, कैसे बोलो निकल जाएगी। यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे मूसा चलते हैं वैसे चलते हैं क्या? ऐसे चलते हैं,
कह रहा है ऐसे नहीं चलते। ये जो खरगोशनी के बच्चे ना ये वहाँ पर वापस शिफ्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी जो माँ है वो इसको फीडिंग करवाएगी, इनको वापस अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिए। और यह है कि खरगोशनी के बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, पहले तो लकड़ी के हमने वो बॉक्सेस वगैरह बनाए थे, अब लकड़ी के बॉक्स नहीं है, तो अब सब खरगोशों को पकड़ के इसमें वापस बंद करते। खोल दो खोल दो, खरगोशों को बंद करें। एक हमारी फीमेल ओरियो, ये क्या है, ये क्या है, ओरियो बंद करो बंद करो, ओरियो को बंद करो, वही बहुत तेज है। अच्छा हनी को पकड़ो, हनी चल अंदर, हनी चल अंदर 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 पकड़, गुड 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 गुड, ले आओ ले आओ ले आओ, तीनों आ गए तीनों आ गए, इसको पकड़ आ गया। नहीं 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 अभी लेट गया, बाद में, वो मेल अंदर चला गया, एक और खरगोश अंदर चला गया यार, शिट चलो आ गया। एक कुकड़ू मियां आप आ जाओ और पानी पी लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अभी अभी अंदर में आया हूँ तो मैं एक अजीब चीज़ देखता हूँ कि हमारी फीमेल ने एग दे दिया यार, अभी अभी इसने अंडा दे दिया, ये देखिए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम ऐसी फीमेल लेके आए कि जो बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है। काश मैंने इसके लिए कोई जगह रख दी होती और ये उसके ऊपर बैठ गई होती, इसके अंदर इसने अंडा दिया होता। अब पता नहीं ये इसका पहला अंडा है ये दूसरा है, एक चीज़ ना करें, अपना यही वाला अंडा अगर हम इसके नीचे रख दें और इसने दो दिए हैं कि नहीं दिए, आपकी नेस्टिंग ख़राब हो जाती है जब आप ना ये हिलते हैं, तो इसके माशाल्लाह से दो हो गए और ये आप एक नया अंडा रख लो, ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट हो गए, मेरी तरफ से गिफ्ट है। अच्छा यहाँ पर ये मैंने इसको रख दिया ताकि इसकी जो नेस्टिंग मटीरियल है वो बाहर वाली साइड पर ना आए। मुझे ये इधर हमारे बचीज आ गए, नीचे हमारी फिंचेस आ गई, फिर इधर फिंचेस आ गए, इधर डब और फिंचेस, और ये फिंचेस ब्लैक लगे तेरी किस्मत और ब्लैक कोबरा तेरी किस्मत, दोनों की बहुत गंदी है यार। मैं लेने इनके पार्टनर गया था और देखे मैं क्या आ गया हूँ, ये लेकिन अच्छी चीज़ मिल गई यार, आते साथ इन्होंने ब्रीड कर दिया है। मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ है कि एक चीज़ लिए और आते साथ उसने एग दे दिया, वाह गुड हो गया ये तो। वहाँ पर एग से केले पड़े और ये दोनों माशाल्लाह से दाना खाने आ गए, ये गर्म पानी हो गया इनके लिए और ये इसमें दाना हो गया, आ जाओ। ये हमारे बजीज का दाना ना बड़ा अजीब सा है, ये इसके अंदर साले ऊपर छिलके छिलके आ गए देखें, और दाने बीच में बिल्कुल बारीक बारीक से हैं जो ना नज़र आते हैं, और हल्की सी यहाँ इसको यूं करो ना तो ये सारा उड़ जाता है और फिर हमारा दोबारा से रूम गंदा हो जाता है। अच्छा माशाल्लाह से दाना खाने आ गए दोनों, अब यार पता नहीं ये पेयर होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या सीन है, बेचारी ने अंडा तो दे दिया, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, खुशी तो अपनी जगह हुई हुई है लेकिन उसके साथ ही साथ अफसोस भी हो रहा है, पता नहीं इसका पार्टनर किधर होगा, पता नहीं ये किधर इसने अंडा देना था, नेस्टिंग मटेरियल जोड़ा होगा, किसके साथ पेयर लगाया होगा और किधर आके ये अंडा दे रही है। पानी पी लो पी लो पी लो आप ही के लिए, जल्दी जल्दी से सबका दाना निकाल के एक डब्बी में डाल लेते हैं, और ये हमारी डब का तो ना हर टाइम डब्बी गीली रहती है, हर टाइम डब्बी गीली रहती है, मतलब खाली भी रहती है और गीली भी रहती है। फीमेल ने जिस जगह पर एग दिया ना वहीं पर वो गोल मटोल होके बैठ रही है, बाल देखे उसे मोटा मोटे कर लिए जैसे वो मुर्गी कुड़ुक नहीं होती वैसे, और मेल इसका पार्टनर इधर दाना खा रहा है। इन दोनों का क्या नाम रखा जाए यार, आपने लाजमी कमेंट करना है। डायमंड फैमिली अपनी डाइट खा रही है, डायमंड फैमिली ये मेल बादशाह आ गया और बाकी वो मलका ईरानियाँ दो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और ये न्यू एंट्री, उम्मीद करता हूँ ये आपको हमारा पेयर अच्छा लगा होगा, जिन भाइयों को ये पेयर अच्छा लगे तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना यार, ये वाइट फीमेल की वजह से मैंने मेल भी परचेज़ कर लिया लेकिन अब घर में आके ना ही मेल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, और फीमेल की आँख चेक करें बिल्कुल जैसा इसका कलर है ना, मतलब वाइट और बीच में लाल लाल से पर हैं, तो आइज़ भी इसकी ऐसी ही हैं बिल्कुल वाइट सी और लाल लाल सी, और उसके आखिर पर आउटलाइन सी बनी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने डेकोरेट की हो इसकी आँख। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मिनी जो को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने पेट्स का
बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग हमारी इंडिया से वीडियोस देख रहे होते हैं। तो यार आप लोगों की वीडियो देखने का और आपका कमेंट करने का बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने पेट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।